आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आंवले का अचार है जो कि फटाफट बन जाता है। आंवले के साथ क्या समस्या होती है कि ये बहुत हार्ड होता है, तो ना तो इसको कोई अच्छे से ना अचार नहीं बना पाता इसका। तो इसमें क्या करना होता है कि इसको आप कुकर में डाल के ना आधा कप पानी के साथ इसको बॉईल कर दीजिए। तो ये देखिए ये फटाफट इसका इस तरह से पूरी फांक इसकी निकल जाती है और इसका बीज आप निकाल सकते हैं। ये अचार हम स्टोर नहीं करते, इसको हम बना करके रख के और रोज़ खा सकते हो। तो एक हफ्ते ये अचार बहुत आराम से खा सकते हैं, भरपूर विटामिन सी है इसमें, तो इसको आप रोज़ अपने खाने में ऐड कर लीजिए। तो देखिए फिर कैसे हम इसको बनाते हैं, पहले हम इसे काट लेते हैं। अब देखिए इस तरह से ना इसका मैंने जितना बनाना था वो रख लिया। अब इसमें जो पिकल पड़ेंगे वो है, पिकल में जो मसाले पड़ेंगे वो ये है, पीली सरसों और ये मेथी और सौंफ, बस तीन मसाला है। तो इसको ना पहले भून लेना है, तो ये मैंने भून लिया। कलर देखिए आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, तो अब इनको हमको ग्राइंड करना है। ये देखिए ये मैंने ग्राइंड कर दिया, इस तरह से ये होना चाहिए। अब इसको ना आप ग्राइंड करके रख लीजिए, जब भी आप बनाइए इसका आंवले का अचार तो आप इसको डाल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ये डाल दिए, अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, तो चिली आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। हल्दी, क्योंकि अचार बिना हल्दी के तो चलता ही नहीं है, तो इसलिए हल्दी और नमक, ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे। और इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा खाने में इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इनको आपको अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद इसमें हम मिलाएंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जो है पहले गरम करना है, गरम करके जब ये ठंडा हो जाए तब इसको इसमें मिलाना है। तेल बहुत ज़रा पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ता तेल। ये टोटल हम 10 आंवला लिए हैं, ठीक है, 10 आंवले का ये पूरा अचार है। इसको बना के आप डब्बे में डाल के रख लीजिए और रोज़ आप खाने के साथ इसको ले सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। थोड़ा मिर्ची और डाल सकते हैं और रंग अच्छा आ जाएगा। ये देखिए आपका अचार तैयार हो गया, और आप इसको बनाइए और बना के मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। क्योंकि ये जो है सर्दी में तो बहुत मज़ा आता है आंवला खाने में, थोड़ा बनाना मुश्किल होता है इसलिए लोग नहीं बनाते। तो आप बॉईल करके जब बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।